नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब, इस वीडियो को जल्द से ज्यादा शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश की 230 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है ABP न्यूज, टाइम्स नाउ, फरोदी सट्टा बाजार और भारत की पांच बड़ी एजेंसियों ने। इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बन रही है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वही दोस्तों, पीएम मोदी ने आज रात 12 बजे लाइव आकर की घोषणा, दिसंबर 2023 में होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव। वही 2018 की बात करी जाए तो बीजेपी को 109 सीटें हासिल हुई थी और कांग्रेस 114 सीटों से बहुमत जीत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, उस समय कांग्रेस पार्टी को कई बड़े दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा देकर हरा दिया था, जिससे वहां पर फिर बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन इस बार एक रोचक घटना हुई है कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले ही बीजेपी पार्टी की कई बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पार्टी को इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं दोस्तों, जिस प्रकार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, वो दाव फिर अब की बार मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर खेलने जा रही है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी किसकी बन रही सरकार और आपके छत्र से। हमारे वीडियो को देख रहे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वहां आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं अब हम आपके सामने मध्य प्रदेश की 230 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे रखने जा रहे हैं। थार में कुल 7 सीटें हैं, 7 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए अगली सीट सिवनी की, तो सिवनी में 4 सीटें हैं, चारों को दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त हुई है, BSP को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे। देवारा की कुल 4-5 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए 4 सीटें हासिल की है। वही बीजेपी को 1 सीट, BSP को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ। ग्वालियर की बात करी जाए तो फिर कांग्रेस आगे है 3 सीटों से, बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, BSP को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार बात करी जाए जबलपुर की कल 8 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टी को तगड़ा झटका देकर 5 सीटों से बहुमत जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें और BSP का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। बात करी जाए कटनी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त हुई है, BSP को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात की जाए इंदौर की कल 9 सीटों पर, तो 9 में से कांग्रेस ने यहाँ पर सबको तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें हासिल हुई है, बीजेपी को 3 और BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बार बात करी जाए छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें, बीजेपी को 1 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बार बात करी जाए अगली सीट सीहोर की, तो सीहोर में कुल 4 सीटें हैं, 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 3 सीटों का आकलन, बीजेपी को 1 सीट, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बार बात करी जाए सीहोर की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बार बात करी जाए दोस्तों अगली सीट बालाघाट की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार बात करी जाए दोस्तों अगली सीट मुरैया की, तो मुरैया में दोस्तों कल 6 सीटें, 6 में से कांग्रेस को यहां पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार बात करी जाए दोस्तों सतपुर की कल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार बात की जाए उज्जैन की कुल 7 सीटों पर, तो यहाँ पर हिंदुओं का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें हासिल हुई है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार बात की जाए बैतूल की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बार वही दोस्तों बात कर जाए अगली सीट सिवनी की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी को भी 2 सीटों का आकलन
होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बार बात कही जाए अगली सीट सतना जिला की, कुल 7 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सबको तगड़ा झटका देकर 4 सीटों से बहुमत जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करी जाए थार जिला की, कुल 7 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें चलती नजर आ रही है। वहीं आपकी क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात की जाए भीड़ जिला की, कुल 5 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार के डी एक्स न्यूज ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बात की जाए अगली सीट विदिशा की, विदिशा में दोस्तों को 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 4 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार बात की जाए रायसेन की, कुल 4 सीटों पर, तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार वहीं दोस्तों बात कही जाए अगली सीट सतपुर की, सतपुर में कुल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को यहां पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार वहीं दोस्तों बात कही जाए अगली सीट मुरैया की, मुरैया में कुल 4 सीटें, 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। इस वीडियो में इतना ही, मैं खुश।